हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका स्वागत है। मैं विकास, आज हम क्लास 10th का मैथ्स करने जा रहे हैं बच्चों, और इसमें आज हम एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद। तो उस चैप्टर के बारे में हम काफी बेसिक चीजें सीखेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आपका चैप्टर नंबर 2 है, ये पॉलिनोमियल्स इसको बोलेंगे हम। पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद। तो इसमें देखिए बच्चों, सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताऊंगा वो ये है कि पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है, बहुपद का मतलब क्या होता है, वो हम सबसे पहले सीखेंगे। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट हम करेंगे। तो आप अगर अच्छे से इस लेक्चर को देखेंगे तो आपको सारी चीजें आ जाएंगी A to Z। तो बिल्कुल हम बेसिक से शुरू करने जा रहे हैं, तो ध्यान से आप देखिए। बहुपद, तो इसमें एक वर्ड है बहु। अब बहु का मतलब क्या है, यहाँ पे बहु का मतलब होता है बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत सारे, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं बहुत सारे, बहु का मतलब बहुत सारे, या फिर एक से ज्यादा, एक से ज्यादा। अब बच्चों, पद का मतलब क्या होता है, एक तो इसमें बहु आ गया, दूसरा वर्ड पद आ गया। पद का मतलब होता है बच्चों टुकड़े, क्या होता है टुकड़े, या फिर इसको टर्म्स बोल सकते हैं आप, या फिर पार्ट्स बोल सकते हैं आप। यही होता है बच्चों बहुपद का एग्जैक्ट मतलब, यानी पॉलीनोमियल्स, ठीक है। पॉलीनोमियल्स, पॉली मतलब ज्यादा, एक से ज्यादा, और नोमियल्स मीन्स टुकड़े बच्चों। अब देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल की मदद से हम इसको समझेंगे, हम इसको एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। मैं यहां पे कुछ लिखता हूं, AX+B है, तो आप बताइए क्या ये पॉलिनोमियल है, क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, ये आपको बताना है। कैसे पता लगेगा, तो मैं बोलता हूं कि हाँ ये पॉलिनोमियल है, यस दिस इज अ पॉलिनोमियल। कैसे पता लगा, देखिए कि इसके क्या है, एक से ज्यादा टुकड़े हैं, एक तो ये हो गया और दूसरा ये हो गया, तो ये क्या हो गया, ये एक पॉलिनोमियल हम इसको कह सकते हैं। अब मैं अगर दूसरी चीज लिखूं, x/y, x/y, तो क्या ये एक पॉलिनोमियल है, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। तो इसको मैं बोल सकता हूं x/y इज नॉट पॉलिनोमियल। ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है बहुपद, देखिए यहां पे मुझे सिर्फ एक ही टर्म दिखाई दे रही है, इसीलिए इसको मैं बहुपद नहीं बोल सकता। तो यहां से एक चीज तो क्लियर हो गई कि जो भी टर्म्स हैं, ठीक है, इसकी जो भी टर्म्स हैं उसको यहाँ पे क्या कर दिया है, स्प्लिट कर दिया है। और किस चीज से स्प्लिट किया है, वो या तो प्लस का साइन होता है या माइनस का साइन होता है। तो कोई भी टर्म है उसको आप क्या करते हैं, यहाँ पे स्प्लिट कर देते हैं, या तो बीच में प्लस का साइन हो या माइनस का साइन हो, तो उनको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल्स। जैसे यहाँ पे मुझे एक प्लस का साइन दिख रहा है, इसीलिए पॉलिनोमियल हो गया। यहाँ पे कोई प्लस का साइन माइनस का साइन नहीं है, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है बच्चों, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम, अब कुछ एग्जांपल मैं आपके सामने और लिखता हूं, आपको बताना है क्या ये पॉलिनोमियल है। ax
इंटू बी, वही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। ये बताइए कि क्या ये पॉलिनोमियल है, क्या आपको ये पॉलिनोमियल दिखता है? तो जैसे कि आप देखेंगे ए एक्स इंटू बी, तो ये एक ही टर्म है बच्चों, क्या है, एक ही टर्म है, एक ही टुकड़ा है, इसको स्प्लिट नहीं किया गया, ना तो इसमें प्लस का साइन है ना माइनस का साइन है बीच में, तो ये एक ही टर्म है। और अगर एक ही टर्म है तो इसको हम बोलेंगे दिस इज नॉट पॉलिनोमियल, बोल सकते हैं ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि ये तो एक ही टर्म है, सिंगल टर्म है, और हमें तो एक से ज्यादा टर्म चाहिए होते हैं, एक से ज्यादा टुकड़े चाहिए होते हैं, वही तो पॉलिनोमियल होता है। अब एक और मैं लिखता हूं, अगर मैं लिखूं 2x माइनस 3, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो बिल्कुल, यहां पे देखिए एक टुकड़ा मुझे ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, तो ये क्या है, पॉलिनोमियल है, माइनस से इनको सेपरेट किया गया है, अलग किया गया है। अगर मैं बोलूं एक बटे अंडर रूट एक्स, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो आप मना कर देंगे ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि ये एक ही टर्म है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप पता लगा लेंगे कि कौन से पॉलिनोमियल हैं और कौन से पॉलिनोमियल नहीं है। लेकिन बच्चों यहां तक तो देखिए आपने सिंपली सीख लिया कि कौन से यहाँ पे पॉलिनोमियल हैं और कौन से नहीं हैं। लेकिन जो चीजें अभी देखी हैं हमने, इसके अलावा भी कुछ और शर्तें भी हैं पॉलिनोमियल्स की, कुछ और शर्तें भी होती हैं। तो हम वो जानते हैं कि कुछ और शर्तें क्या होती हैं। एक्चुअली हम कुछ और बातें करते हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में, ताकि आपको और बेहतर समझ में आ सके। तो मान लीजिए कि आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे जो बचपन से आपके साथ होंगे, आपके दोस्त होंगे, ठीक है। तो वो ऐसा होता है कि कुछ दोस्त होते हैं, कुछ फ्रेंड्स होते हैं, वो कभी नहीं बदलते बच्चों, ठीक है, वो हमेशा आपके साथ रहते हैं, बचपन से लेके अभी तक आपके साथ होंगे कुछ आपके फ्रेंड्स। तो जो नहीं बदलते उनको मैथमेटिक्स की भाषा में क्या बोल सकते हैं, जो फ्रेंड्स आपके कभी नहीं बदलते उसको मैथमेटिक्स की भाषा में हम बोल सकते हैं कॉन्स्टेंट, क्या बोल सकते हैं, कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट यानी अचर, कॉन्स्टेंट यानी अचर। तो क्या मतलब होता है कॉन्स्टेंट का या अचर का? तो पॉलिनोमियल्स में भी आपके जैसे फ्रेंड्स हैं, उसी तरह पॉलिनोमियल्स में भी कुछ ऐसी संख्याएं हैं, पॉलिनोमियल्स में कुछ ऐसी वैल्यूज होती हैं जो कभी नहीं बदलती। क्या बोला मैंने, पॉलिनोमियल्स में भी कुछ ऐसी वैल्यूज होती हैं जो कभी नहीं बदलती, उनको हम कॉन्स्टेंट यानी अचर बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें आप बोल सकते हैं कि इनकी डेफिनेट या फिर फिक्स वैल्यू होती है, जिनकी हमेशा एक जैसी ही वैल्यू रहे, उनको हम कॉन्स्टेंट बोलते हैं। इसको आप लिख सकते हैं कॉन्स्टेंट हैव डेफिनेट, डेफिनेट, या फिर आप इसको बोल सकते हैं इनकी फिक्स वैल्यू होती है, क्या, फिक्स वैल्यू, फिक्स वैल्यू होती है, यानी फिक्स वैल्यू। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बच्चों जिनकी वैल्यू, जिनकी वैल्यू, जिनका मान हमेशा हमेशा एक जैसी रहे, एक जैसी रहे, उनको हम बोल सकते हैं कॉन्स्टेंट। जैसे एग्जाम्पल की तौर पे हम एक बारी इनके एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए तीन है, तो तीन की वैल्यू हमेशा तीन रहेगी, या फिर पांच है, दस है, पचास है, इनकी वैल्यू यही रहेगी। यानी आप कहीं भी चले जाएं, कहीं भी आप चले जाएं, यहां पे हो, उत्तराखंड में हो, आप दिल्ली चले जाएं, बॉम्बे चले जाएं, तीन तो तीन ही रहेगा बच्चों, वो कभी नहीं बदल सकता। आप किसी से ही पूछ लें, अपने टीचर से पूछ लें, ठीक है, अपने फ्रेंड से पूछ लें, अपने घर वालों से पूछ लें, तो
तीन का मतलब तीन ही रहेगा, तीन की वैल्यू तीन ही रहेगी, ठीक है, वो कभी चेंज नहीं होती, तो इसीलिए इसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जो ये कांस्टेंट होते हैं, देखिए 3x² प्लस 4x प्लस 5। तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है ये कांस्टेंट है, ठीक है, 5 यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, कांस्टेंट लिख दिया। तो इस तरह से ये इक्वेशन में हम कोई भी कांस्टेंट लिख सकते हैं बच्चों। अब देखिए, आपने कांस्टेंट यानी अचर का मतलब समझ लिया। अब एक और टर्म यहाँ पे आने वाली है, और उस टर्म को हम क्या बोलेंगे, मैं एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। चलिए वही दोस्तों वाला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। तो मान लीजिए कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे, कभी किसी को मिले होंगे, कि जब उनको मतलब होता है तो ठीक है, आपकी तारीफ करेंगे, आपके साथ साथ रहेंगे, लेकिन जब आपको उनसे कोई काम पड़ेगा तो बोल देंगे नहीं भाई, मुझे मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है, मैं ये काम नहीं कर सकता, अपना काम निकलवा लेंगे। तो वो क्या हो गया बच्चों, वो बदल जाते हैं समय के साथ। तो उसको हम क्या बोलते हैं, अगर मैथमेटिक्स में लैंग्वेज को, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में उनको हम बोलेंगे चर, ठीक है, यानी वेरिएबल्स। क्या बोलेंगे हम मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में, वेरिएबल्स हम उनको बोल सकते हैं, ठीक है, वेरिएबल्स यानी चर। अब बच्चों वेरिएबल्स क्या होता है मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स में वेरिएबल्स होता है कि जो जिनकी वैल्यू बदलती रहे, जो सेम ना रहे, नॉट स्टेइंग द सेम, ठीक है, जिनकी वैल्यू बदलती रहे, आप बोल सकते हैं इनको, जिनकी वैल्यू बदलती रहे, इनको हम वेरिएबल्स बोल सकते हैं बच्चों। जिनकी वैल्यू बदलती रहे उनको आप वेरिएबल्स बोल सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं, उदाहरण क्या क्या आप लिख सकते हैं वेरिएबल्स के। जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया, a हो गया, ठीक है, L हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मान लीजिए कि इनकी वैल्यू बदलती कैसे है, मैं x की मदद से आपको बताता हूं। तो मैंने मान लिया x को कि x की वैल्यू 2 है, मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। अब किसी और ने मान लिया x की वैल्यू 5, ठीक है, तो क्या हुआ, देखिए एक बारी तो x की वैल्यू 2 हो गई, एक बारी 5 हो गई, एक बारी 10 हो जाएगी, एक बारी 50 हो जाएगी। तो कोई अगर आप जो भी x की वैल्यू मानेंगे तो वही x की वैल्यू हो सकती है, x की वैल्यू बदल सकती है, इसीलिए इसको हम वेरिएबल बोल सकते हैं। सिमिलरली y, z, a, l, b, इन सब की वैल्यू क्या हो सकती है, बदल सकती है बच्चों, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल्स बोलते हैं। इस टाइप की जो नंबर्स होते हैं उनको हम वेरिएबल्स बोलते हैं। अब बच्चों हम एक कंबाइन करते हैं चीजों को। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, पॉलिनोमियल्स में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या चीजें जरूरी हैं, उसको हम एक साथ लिखने की कोशिश करते हैं, एक साथ लाने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको अच्छे से पता लग जाएगी पॉलिनोमियल्स में किस किस चीजों की जरूरत हमें होने वाली है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, ए पॉलिनोमियल हैज पॉलिनोमियल हैज, यानी कि एक पॉलिनोमियल में क्या क्या होगा, ठीक है, क्या क्या होना जरूरी है, वो यहाँ पे हम डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहली चीज जो इसमें जरूरी है वो है टर्म्स होना, टर्म्स यानी बच्चों पद, ठीक है। तो एक पॉलिनोमियल में पदों का होना जरूरी है, तो अगर किसी पॉलिनोमियल में पद नहीं, मतलब वो पॉलिनोमियल ही नहीं होगा, ठीक है। दूसरी चीज क्या होनी जरूरी है उसमें बच्चों, अभी हमने सीखा कि कांस्टेंट भी होना जरूरी है एक पॉलिनोमियल में, कांस्टेंट मतलब अचर, ये भी जरूरी है बच्चों, कांस्टेंट होना। और क्या जरूरी है, वेरिएबल होना भी जरूरी है इसमें। अब देखिए, मुझे लगता है कांस्टेंट और वेरिएबल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या होता है।
वेरिएबल यानी चर, ठीक है बच्चों। और क्या होना जरूरी है, और नॉन नेगेटिव डिग्री आपके यहाँ पे, इसमें नॉन नेगेटिव डिग्री होगी। क्या होगी? नॉन नेगेटिव डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, मैं यहाँ पे लिख देता हूं पहले, नॉन नेगेटिव डिग्री। नॉन नेगेटिव डिग्री बच्चों, डिग्री मतलब होता है घात, पता है आपको, घात यानी पावर। तो नॉन नेगेटिव मतलब होता है कि जो नेगेटिव ना हो, जो ऋणात्मक ना हो, यानी जो ऋणात्मक नहीं होगी उसको हम क्या बोलेंगे, धनात्मक बोलेंगे। तो धनात्मक पावर की यहाँ पे बात की जा रही है, धनात्मक डिग्री की यहाँ बात की जा रही है। जैसे कि एक्स को, एक्स के ऊपर मैं 2 डिग्री लगा दूं, 2 पावर लगा दूं, तो ये क्या हो गई, एक्स की पावर 2, ये धनात्मक है बच्चों। अगर मैं बोलूं एक्स के ऊपर -2, ये ऋणात्मक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि ऋणात्मक पावर नहीं होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव पावर होनी चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ये चीज भी जरूरी है, ये रूल भी जरूरी है कि पावर नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, डिग्री नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। अगला देखते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं हम, किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो गया बच्चों, या तो जो डिग्री है वो बढ़ते क्रम में जाएगी, छोटे से बड़ा, या फिर बड़े से छोटे ऑर्डर में डिग्री आएगी, ठीक है। ये डिग्री का ऑर्डर हो जाएगा, इसी को बोलते हैं बच्चों हम स्टैंडर्ड फॉर्म। एक उदाहरण से हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे मैं लेता हूं, मान लीजिए आपके सामने एक पॉलिनोमियल है bx² + ax³, ठीक है, प्लस c। तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं, क्योंकि पहले x की पावर 2 है, फिर 3 है, और फिर 0 है। तो हमें या तो इसकी बढ़ते क्रम में लिखनी है पावर, या घटते क्रम में। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं ax³, सबसे ज्यादा पावर आ गई, फिर उससे कम पावर आ गई, और फिर सबसे कम पावर आ गई। तो ये होती है बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसको दिखाते हैं, लिखते हैं ज्यादातर, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब एक चीज और है बच्चों, वो क्या है, मैं बोल सकता हूं ax² + bx + c। इसमें देखिए कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है। तो यहाँ पे जो x है वो क्या है, वेरिएबल है, ठीक है बच्चों। अब देखिए कि इसमें क्या बोल सकते हैं, इज ए, यहाँ पे हमें मानना पड़ेगा बच्चों, इज ए पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल है, दिस इज ए पॉलिनोमियल, वेयर, जहां पे कौन सी चीज आई है, a b c, ये 3 चीज हैं, दे आर रियल नंबर्स, दे आर रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं हैं, ये क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं हैं, तो इससे क्या पता लग गया बच्चों, वास्तविक संख्याएं हैं मतलब ये कांस्टेंट हैं बच्चों, वेरिएबल नहीं होंगे। कौन से, इसमें ए बी और सी क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, बाकी एक्स जो हो गया वो वेरिएबल हो जाएगा आपका, ये यहाँ पे इससे पता लगता है। एंड ऑल द एक्सपोनेंट ऑफ एक्स आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, और क्या बोल सकते हैं हम, ऑल द एक्सपोनेंट्स, ऑल द एक्सपोनेंट्स ऑफ एक्स
और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, इंटीजर्स यानी बच्चों पूर्णांक। तो इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि देखिए ये हमारा एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल में क्या क्या चीजें होती हैं वो यहाँ पे बताया गया है, पॉलिनोमियल को किस तरह से लिख सकते हैं, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, यानी कि ये एक बहुपद है और इसमें ए बी सी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, यानी ये कॉन्स्टेंट्स हैं। एंड ऑल द एक्सपोनेंट ऑफ एक्स, यानी एक्स की जो भी डिग्री है, जो भी पावर है, जैसे कि यहाँ पे देखिए एक्स की पावर 2 है, यहाँ पे एक्स की पावर 1 है, ये सब क्या है, नॉन नेगेटिव है। नॉन नेगेटिव के बारे में अभी हमने डिस्कस किया था कि नॉन नेगेटिव कौन सी पावर होती है, जो कि धनात्मक होती है। तो ये एक्स की पावर सारी धनात्मक होंगी और पूर्णांक होंगी, तो इसी को हम बोलते हैं बच्चों पॉलिनोमियल, और इस तरह से हम इनको लिख सकते हैं। अब बच्चों हम क्या करते हैं, पॉलिनोमियल्स को हम डिफाइन करते हैं, ठीक है, पॉलिनोमियल्स को हम अलग अलग करके लिख देते हैं। तो सबसे पहले टर्म्स के बेसिस पे उनको हम डिसाइड करते हैं, ठीक है, जैसे कि क्लासिफिकेशन करते हैं बेसिकली पॉलिनोमियल किस किस प्रकार के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स हम यहाँ पे लिखेंगे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स हम यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन बच्चों ये क्या है कि हमें बेसिस डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। दो तरह से हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं पॉलिनोमियल्स को। तो सबसे पहले जो हम करेंगे इनको पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई, वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। टर्म्स मतलब अभी हमने पढ़ा था बच्चों, टर्म्स क्या होता है, पद जिनको हम बोलते हैं। तो कितने पद हैं एक पॉलिनोमियल में, उसके आधार पे हम डिसाइड करेंगे बच्चों, ठीक है, कि पॉलिनोमियल कौन से टाइप का है। अब देखिए सबसे पहले आपके सामने एक पॉलिनोमियल आता है जिसको हम मोनोमियल बोलते हैं। मोनोमियल एक्चुअली में बच्चों पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। क्या बोला मैंने, मोनोमियल एक्चुअल में पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ये अभी आपको पता लग जाएगा कि क्यों नहीं कहलाएगा। मोनोमियल का मतलब होता है एक पदी, ठीक है, एक पदी मतलब जिसका एक ही पद हो। एग्जाम्पल से और अच्छा समझ में आ जाएगा आपको, जैसे कि एक पद का मतलब है 2x, मैंने लिख दिया, एक ही पद है इसमें, सेपरेट नहीं किए गए, अलग अलग नहीं लिखे गए बच्चों, इसीलिए ये एक ही पद हो गया, 2 हो गया, 5x² हो गया। ये सब क्या है, ये पॉलिनोमियल है बच्चों, और ये क्या है, एक ही पद है ये, तो ये क्या होगा बच्चों, पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्योंकि पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है, पॉलिनोमियल में एक से ज्यादा पद होना चाहिए, लेकिन इसमें तो एक ही पद है, तो जो भी मोनोमियल होगा वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। दूसरा आता है बच्चों, दूसरा होता है बायनोमियल। क्या होता है, बायनोमियल। अब बच्चों धीरे धीरे आपको नाम से ही पता लगने लग जाएगा कि बायनोमियल क्या हुआ, इसको द्विपद। देखिए नाम से पता लग गया आपको, एक पदी मतलब जिसका एक पद हो, द्विपद यानी जिसपे दो पद हो, जैसे कि x² - x है, तो इस पे देखिए माइनस से सेपरेट किया गया है और एक पद ये हो गया x² और एक x हो गया, तो दो पद हो गए। जैसे y³ + 1, ये भी दो पद हैं, तो ये हो गए बायनोमियल्स। इनको हम बोल सकते हैं पॉलिनोमियल, ठीक है, क्योंकि एक से ज्यादा पद हैं यहाँ पे। अब इसी तरह अगर आपके सामने आता है ट्राइनोमियल, क्या आता है, ट्राइनोमियल, तो ट्राइनोमियल को हम क्या बोलेंगे बच्चों,
ट्राइनोमियल को हम बोल सकते हैं त्रिपद। क्या बोल सकते हैं? त्रिपद। ठीक है, त्रिपद कौन से हो जाते हैं बच्चों? जैसे कि x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। इसके देखिए कितने पद यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, मुझे यहाँ पे इसके 3 पद दिख रहे हैं, तो ये हो गया त्रिपद। x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ये भी क्या हो गया? ये त्रिपद पॉलिनोमियल हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो इसी तरह बच्चों ट्राइनोमियल, बाइनोमियल, मोनोमियल, इस तरह से हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। अब दूसरे बेसिस पे हम इनको क्लासिफाई करेंगे। दूसरा बेसिस कौन सा आ गया? फिर से मैं लिख देता हूं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी अब हम करेंगे डिग्री के बेसिस पे। कौन से बेसिस पे? डिग्री, डिग्री यानी घात। ठीक है, इसके आधार पे हम इसको क्लासिफाई करेंगे। जैसे कि सबसे पहला मैं लिख सकता हूं लीनियर। क्या यहां पे लिख सकते हैं हम? लीनियर। लीनियर मतलब रैखिक। लीनियर यानी रैखिक, इसको हम बोल सकते हैं बच्चों। ठीक है, एग्जांपल इसका ले लेते हैं। क्या हो सकते हैं लीनियर? 4x प्लस 5, ये क्या हो गया? लीनियर हो गया, क्योंकि बच्चों इसकी पावर एक ही है, इसमें x की पावर एक से ज्यादा नहीं होगी, इसलिए इसको हम लीनियर बोल सकते हैं, रैखिक बोल सकते हैं। 2y, इसमें पदों से लेना देना नहीं है बच्चों, इसमें हमारे पास बस क्या होना चाहिए? लीनियर होना चाहिए, ये कंडीशन है। ठीक है, लीनियर यानी रैखिक। अब दूसरा आता है, इसको हम बोल देते हैं क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक मतलब इसको द्विघाती हम बोल सकते हैं, द्विघाती। द्विघात मतलब बच्चों जिसकी पावर 2 हो, जैसे कि 2x2 2x2 प्लस 5। तो देखिए यहां पे x की पावर 2 दिख रही है मुझे, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक। या फिर मैं लिखूं 5x2 प्लस 3x, ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक हो गया। 4x2 प्लस x प्लस 3, ये क्या हो गया? ये क्वाड्रेटिक हो गया, क्योंकि x की सबसे ज्यादा पावर यहाँ पे कितनी है? 2 है। अब इसी तरह बच्चों तीसरा जो आता है आपके सामने, तीसरा इसका क्लासिफिकेशन हो जाता है क्यूबिक। क्या हो जाता है? क्यूबिक। क्यूबिक यानी त्रिघाती। त्रिघाती या फिर त्रिघात इसको बोल सकते हैं। तो नाम से ही आपको पता लग रहा होगा, त्रिघात यानी जिसमें सबसे ज्यादा पावर कितनी हो x की? सबसे ज्यादा घात 3 हो, इसको हम त्रिघात बोलते हैं। माइनस x या फिर 2x³ प्लस 4x² प्लस x प्लस 7। देखिए सबसे ज्यादा x की पावर कितनी है? सबसे ज्यादा यहाँ पे x की पावर मुझे 3 दिख रही है, तो इसको बोल सकते हैं बच्चों हम त्रिघात। क्या बोल सकते हैं इसको? त्रिघात। तो देखिए ये दो तरह से हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं पॉलिनोमियल्स को। कौन से है दो तरीके? एक तो है कि डिग्री के आधार पे, पावर के आधार पे हमने कर दिया, और दूसरा है
हमने ऑन द बेसिस ऑफ टर्म कि कितने पद हैं इसके पास, उसके आधार पे हमने इसको क्लासिफाई कर दिया बच्चों। अब आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं और कैसे क्लासिफाई किया विद एग्जांपल्स हमने यहाँ पे सीखा है। तो आप इनको नोट डाउन कर लें। अब बच्चों एक चीज आती है आपके सामने, जीरो पॉलिनोमियल। ये क्या होता है सोचो और बताओ, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? देखिए जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, मान लीजिए एक पॉलिनोमियल है जिसको मैंने पी एक्स से डिनोट किया, ये अगर जीरो के बराबर होता है तो ये जीरो पॉलिनोमियल होता है। और एक चीज और, जो जीरो पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर है वो डिफाइंड नहीं है, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते बच्चों, ठीक है। तो अब हमें मेन चीज ये, यहाँ पे ये वर्ड इसलिए आया कि कई बार हमसे बोला जाता है कि एक पॉलिनोमियल है उसकी जीरो फाइंड आउट करो, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल यानी पॉलिनोमियल का शून्यक हम इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बच्चों? पॉलिनोमियल का शून्यक हम इसको बोल सकते हैं, शून्य। या फिर कई बार आपके सामने आ जाता है कि पॉलिनोमियल के रूट्स निकालो, शून्यक निकालो, रूट्स निकालो, या फिर कई बार बोल दिया जाता है कि सॉल्यूशन निकालो, फाइंड आउट सॉल्यूशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इन सभी का मतलब एक ही होता है बच्चों, यानी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालनी है आपको। तो कंफ्यूज ना हो अगर अलग अलग तरह से आपको दे दिया जाए तो। अब देखिए कि इसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, अगर जीरो निकालनी हो तो किस तरह से हम निकाल सकते हैं। एक पॉलिनोमियल मान लेते हैं, पहले पी एक्स है पॉलिनोमियल, एक्स माइनस टू, ये क्या हो गया, ये एक पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है, पॉलिनोमियल की जीरो निकालना है। यानी यहां पे आप ये सोच के देखो कि x का ऐसा क्या मान रखें कि पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए। फिर से मैं बोल रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, देखिए यहां पे आपको ये सोचना है कि x का ऐसा क्या मान रखें कि ये जो पॉलिनोमियल है इसकी वैल्यू जीरो आ जाए। तो अगर मैं x का मान यहाँ पे x की जगह दो लिख देता हूं तो क्या मेरा पॉलिनोमियल जीरो आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा, x की जगह मैंने दो लिखिया और यहाँ पे दो माइनस दो का है ही। अब दो में से दो माइनस हो गया, कितना बच गया? जीरो। यही तो हमें पता लगाना था कि पॉलिनोमियल की जीरो हमें पता लगानी थी, और वो जीरो कब आई है? जब हमने x को दो रखा है, यानी कि जो इसकी जीरो है, इसकी जीरो है पॉलिनोमियल की, वो कितनी है? दो है। पॉलिनोमियल की जीरो कितनी है? दो है। यानी एक्स की जो भी वैल्यू रख के पॉलिनोमियल जीरो आए वही होती है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। दोबारा सुन लो, जो भी एक्स की वैल्यू रख के, एक्स की जो भी वैल्यू रख के पॉलिनोमियल जीरो हो जाए उसी वैल्यू को हम बोलेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है बच्चों। अब देखिए कि ये जो पी एक्स है क्या है, अगर पी एक्स को वाई के एक्स के लिए सॉल्व करें तो क्या होगा, ठीक है। पी एक्स को वाई के लिए सॉल्व करें तो, जैसे कि यहां पे हम पी एक्स को वाई के लिए सॉल्व करते हैं, आपको पी एक्स पता है कितना है? एक्स माइनस दो है। इसको हम एक बारी इसको वाई के लिए सॉल्व करके देखते हैं तो क्या आंसर आएगा, वो हम यहाँ पे
नोट डाउन कर लेंगे, लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए कि अगर अगर हमारे पास x की वैल्यू 0 होगी, अगर x की वैल्यू मैंने यहाँ पे 0 रख दी तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू बच्चों -2 आ जाएगी। इसको सॉल्व करके देख सकते हैं आप, अगर x 0 हो गया तो 0 माइनस 2 कितना आ गया, -2 आ गया, ठीक है। अगर मैं x की वैल्यू, x का मान 2 रखता हूँ तो y का मान 0 आ जाएगा, ठीक है। ये हमने यहाँ पे y के लिए सॉल्व करके देख लिया। अब बच्चों इससे हम क्या कर सकते हैं, इसको जो ये सॉल्यूशन आया है इसको आपको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, तो ग्राफ पे आप कैसे दर्शाएंगे, इसको कैसे दिखाएंगे, तो एक बारी यहाँ पे रफली हम ग्राफ बना के देख लेते हैं। तो किस तरह से बनता है ग्राफ, आपके पास यहाँ पे x एक्सिस होता है ग्राफ में और y एक्सिस होता है, इस तरह से इसको दिखाते हैं, ये हो गया x, ये हो गया y एक्सिस, ठीक है। इसको हम x डैश लिख सकते हैं और इसको y डैश यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों। अब देखिए कि ये किस तरह से लिखते हैं हम यहाँ पे, ये तो 0 होता है, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 3 इस तरह से, ये माइनस में होगा, -1 -2 -3, ठीक है। ये 1 2 3 4 और यहाँ पे -1 -2, इस तरह से बच्चों ग्राफ पे नंबरिंग हम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जो आपका सॉल्यूशन आया था क्या आया था, यहाँ पे मैं दोबारा बना देता हूँ, x और y ये आया था बच्चों आपका 0 रखा तो -2 आया था और 2 रखा तो 0 आया था, ठीक है। इसको अगर हम ग्राफ पे दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे, तो देखिए एक में x अगर 0 है तो y -2 है, ठीक है, दूसरे में x 2 है तो y 0 है, तो यहाँ पे x कितना है 0 है और y कितना है -2 है, तो y में हम -2 की तरफ चलेंगे तो ये हो गया 0 और -2। दूसरा वाला क्या है, x 2 है और y 0 है, तो x 2 है y 0 है, यहाँ पे ये आ गया और ये आ गया 0 और -2। अब इन दोनों को अगर हम मिलाते हैं, जो ये दो बिंदु हमें मिले हैं इनको मिलाते हैं तो एक सीधी लाइन हमें प्राप्त होती है, क्या होती है, एक सीधी लाइन प्राप्त होती है जो x को एक बारी ही काट रही है, क्या काट रही है, ये x को एक बारी काट रही है, तो यानी कि आप बोल सकते हैं कोई लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो, लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो लीनियर पॉलिनोमियल इसकी हमेशा हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो ये चीज बच्चों आप ध्यान रखेंगे कि कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल होगा उसकी स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो जैसे यहाँ पे ये इसकी स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो बच्चों आज के लिए हम बस इतना ही करेंगे, आप जो यहाँ पे किया है उसका ध्यान रखें कि आप एक बारी दोबारा रिवाइज जरूर करें, काफी सारी चीजें आज हमने कवर की हैं, काफी सारे बेसिक्स हमने पॉलिनोमियल के कवर किए हैं, अब धीरे धीरे हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे, तो अगर आप बेसिक सीखेंगे अच्छे से तभी आप क्वेश्चन प्रॉपरली कर पाएंगे, तो मैं यही बोलूंगा दोबारा आपको कि एक बारी घर पे आप जाके दोबारा इन क्वेश्चंस को, जो भी हमने एग्जाम्पल्स किए हैं, जो भी हमने बेसिक्स किए हैं, इनको आप दोबारा जरूर प्रैक्टिस करें, एक बारी यहाँ पे क्लास में किए हैं एक बारी और करें तभी आपको अच्छे से आएंगे, उसके बाद जब हम अगले सेशन में क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्वेश्चंस करने में कोई परेशानी नहीं होगी। इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म करते हैं, थैंक यू एंड हैव अ नाइस।